दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएससी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और इस तरह के रेगुलर अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। ये जो अपडेट निकल के आ रहा है, देख सकते हो, दिनांक 15 मार्च 2020 को एनएससी की राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिरडी महाराष्ट्र में संपन्न। माननीय कमांडर अशोक रावत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएससी की अध्यक्षता में हुई CWC की बैठक संपन्न। माननीय श्रीमती शोभा RS राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला फ्रंट एवं मातृ शक्ति की प्रतीक गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की बहनों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत। देश के 17 राज्यों के पदाधिकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों का किया गया आयोजकों द्वारा सम्मान। CWC की मीटिंग के पूर्व ही जोशपूर्ण वातावरण में उभरी तीव्र भावनाएं। संघर्षात्मक आंदोलन को तीव्र करने के लिए आने शुरू हुए विभिन्न प्रकार के सुझाव। माननीय एनएससी चीफ ने सभी को शांत करने के बाद शुरू हुई WC के एजेंडे नुमार सभी मुद्दों पर चर्चा। एनएससी चीफ माननीय कमांडर साहब ने माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक। वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबंधित मंत्री महोदय को दिए गए दिशा निर्देशों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। आगे की एनएससी की भूमिका रणनीति के विषय में माननीय कमांडर अशोक रावत जी को दिया अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार। सभी सुझावों पर विचार करके माननीय अध्यक्ष महोदय ने निकाला सभी विकल्पों का सारांश व किया सभी का मार्गदर्शन। सर्वसम्मति से हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर। कार्यक्रम के आयोजक प्रांतीय कार्याध्यक्ष श्री सुभाष पोखरकर जी के द्वारा सभी का आभार प्रदर्शन के साथ हुई CWC की मीटिंग संपन्न। राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय संग्रह समिति CWC मीटिंग का वृत्तानंद। तो फ्रेंड्स, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था एनएससी की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। यहाँ पे बताई गई है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो एनएससी की जो बैठक थी उसमें क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय लिया गया, क्या डिस्कशन हुआ, वो सारी बातें यहाँ पे विस्तार से बताई गई है। और आगे जो भी कोई अपडेट आएगा हम कोशिश करेंगे आपके साथ ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।